हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू गुरु एडी चैनल। अगर गाइज आप लोग फोटो एडिटिंग करते हो और आपके फोटो में भाई फेस ही अच्छा नहीं दिख रहा तो फोटो किस काम का है ना। तो गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे अपने फोटो एडिटिंग के अंदर अपने फेस को हम कैसे रिटच कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से डोज एंड बर्न करके, और परफेक्ट तरीके से हम अपने फोटो में फेस का कलर ग्रेड कैसे कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में गाइज मैंने बताया था अपने फेस के ऊपर से आप पिंपल्स अपने कैसे रिमूव कर सकते हैं, अपने फेस को कैसे स्मूथ कर सकते हो। अगर गाइज आप लोगों को ये चीज़ करने नहीं आता तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाके वॉच कर लेना इस वीडियो के बाद। इससे पहले मुझे अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी आप लोगों को डेली के नए नए पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। गाइस कभी भी आप लोग अगर अपने फोटो को स्नैपशीट में ओपन करते हैं तो स्नैपशीट को सबसे पहले ओपन करके प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने फोटो को ऐड करना है गैलरी से। ओके डायरेक्टली गाइस गैलरी से अपने फोटो को शेयर करके ओपन नहीं करना है स्नैपशीट में, नहीं तो भाई आपकी फ़ोटो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगी। ओके तो यहाँ पर गाइज आप लोगों को करना क्या है अपने स्किन रिटचिंग के लिए, बहुत ही गाइज यहाँ पर कमाल का यार स्नैपशीट में टूल मिलता है स्किन रिटचिंग के लिए। तो यहाँ पर गाइज एक एक चीज़ आप लोगों को डिटेल बाई डिटेल बताऊंगा तो वीडियो को स्कीप मत करना, बस आप लोगों से यही विनती है। ओके तो गाइज हमें सबसे पहला गाइज स्टेप होता है हमारा, जो भी हमारे फेस पे पिंपल्स होते हैं निशान होते हैं दाग धब्बे के, तो उनको हमें रिमूव करना होता है। उनको रिमूव करने के लिए स्नैपशीट में एक टूल मिलता है हीलिंग टूल, जो कि गाइज बहुत ही बेस्ट टूल होता है एंड इस तरीके से आप लोग अपने पिंपल्स को रिमूव कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ पर आप लोगों को सारे पिंपल्स को रिमूव नहीं करने हैं, छोटे छोटे को, जो भी गाइज ज़्यादा आप लोगों को दिख रहा है बड़ा बड़ा पिंपल्स, उन लोगों को आपको रिमूव कर देना है क्योंकि छोटे मोटे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अपने फोटो पे, आप सिंपल डन कर देंगे। अब गाइज देख सकते हो हमारा भाई पिंपल्स वगैरह जो भी था यहाँ से हमारे फेस पे से रिमूव हो चुका है। अब गाइज हम अपने फेस को जो है स्मूथ करेंगे, तो स्मूथ करने के लेंस ब्लर वाला जो टूल है यहाँ पर उस टूल का हम यूज़ करेंगे। गाइज ये लेंस ब्लर टूल बहुत ही बेस्ट है स्किन स्मूथनेस के लिए और बैकग्राउंड को भी ब्लर करने के लिए, तो दोनों चीज़ में ये काम आ सकता है आप लोगों के लिए। तो इसको हमें स्किन को स्मूथ करना है तो इसके लिए क्या करना है, इसको भाई स्प्लिट करके नीचे में लेके आ जाना है एंड पूरे फोटो पे आपको ब्लर रखना है एंड विगनेट को आपको पूरा माइनस कर देना है एंड ब्लर आपको अपने फेस के मुताबिक रखना है जितना आपके फेस पे शूट करे स्मूथनेस। ओके तो यहाँ से आपको ब्लर उतना आपको बढ़ा लेना है, सिंपल डन। अब गाइज ये हमारा पूरा फोटो यहाँ पे ब्लर हो चुका है, तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे अंडो वाला जो ऊपर में ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है एंड व्यू एडिट्स में चलना है एंड यहाँ पर लेंस ब्लर पे क्लिक करेंगे एंड एडिट में आ जाएंगे। फिर गाइज ये फोटो जो हमारा पहले जैसा हो जाता है, हम एडिट के अंदर आते हैं तो यहाँ से गाइज आप लोग देख सकते हो अपने फेस को पूरा जूम करके एंड यहाँ से आप लोग बिफोर एंड आफ्टर भी कर सकते हो, सॉरी इन्वर्ट कर सकते हो मतलब। ओके अब गाइस मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या क्या मतलब कैसे काम करता है। आप लोगों को ब्रश तो पता नहीं होगा भाई, कुछ लोगों को पता होगा, फिर भी भाई जिन भाई लोगों को नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो दो ब्रश देख रहे हो ना गाइस, यहाँ पे एक नीचे में एरो जा रहा है एंड एक ऊपर में एरो जा रहा है, तो ये दो काम करते हैं, दो काम नहीं करते मतलब एक ही काम करता है, ये ऑपोजिट ही काम करता है समझ लो। ओके ऊपर में करते हो तो ब्रश का ऑपोजिट ही बढ़ता है एंड नीचे में करते हो तो ऑपोजिट ही कम होता है। और साइज़ का गाइस यहाँ पर ये है, कोई मतलब साइज़ आप अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा आपका साइज़। आप अपने फ़ोटो को जूम करोगे तो भाई आपका जो साइज़ है वो छोटा कर देगा एंड फ़ोटो को जूम आउट करोगे तो आपका ब्रश का साइज़ जो है बढ़ा देगा, जैसे कि देखा मैंने यहाँ पे चलाया था। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर हम इरेज भी कर सकते हैं जीरो पे रख के अपने ब्रश को, एंड जब हम अपने स्किन को स्मूथ करेंगे तो गाइज ब्रश को आपको 75 पे रखना है एंड इस तरीके से अपने पूरे फेस के ऊपर फिलअप करना है ब्रश को। एंड गाइस जहाँ पर आपके हेयर्स वगैरह आ रहे हैं वहाँ पर मतलब एकदम आराम से करना है यार, अच्छे से बिल्कुल भी हेयर पे जो है ये ब्रश को अप्लाई मत करना, नहीं तो बिल्कुल ही फेक जैसा लगेगा फिर। एंड पूरे स्किन पे मत चलाना गाइस, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है मतलब स्मूथनेस की वहीं पर चलाना, देख सकते हो मैं जैसे चला रहा हूँ। एंड गाइस वीडियो यार मैं फास्ट करके बिल्कुल भी आज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यार आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता तो भाई मेरे को बहुत बुरा लगता है कि भाई मैं सिखा रहा हूँ और आप लोग सीख नहीं पा रहे हो, तो इसलिए गाइस वीडियो जो है आप लोगों में आराम आराम से दिखा रहा हूँ, बस आप लोग वीडियो स्किप मत करा करो,
जिससे आप लोगों को जो है अच्छे से नॉलेज मिल पाएगी एडिटिंग की। और गाइस नेक्स्ट वीडियो तो यार बहुत ही कमाल की आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो। यहाँ पर गाइस हमने पूरे ब्रश को जो है अपने स्किन पे चला लिया है, तो इसको गाइस यहाँ पर जो हम आइस बना हुआ है ना इसका हम सी ऑफ कर देंगे, तो देख सकते हो गाइस हमारा स्किन यहाँ पर स्मूथ हो चुका है, बिफोर या आफ्टर देख लो, एकदम प्रोफेशनली जो हमारा स्किन यहाँ पर स्मूथ हो चुका है। हमने यहाँ पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करा स्किन स्मूथनेस करने के लिए, नहीं तो भाई ऑटोडेस्क में तो यार फटके चार हो जाती क्या बताऊँ। एंड यहाँ पर हमारा स्किन तो स्मूथ हो चुका है। अब मैं गाइज आपको बताता हूँ कि भाई डोज एंड बर्न होता क्या है, उससे हमारे फोटो में भाई क्या फ़र्क पड़ता है। डोज एंड बर्न मतलब गाइज एक आप लोगों को बता दो इसका मीन्स कि ये एक 3D इफेक्ट हो गया हमारे फोटो में। जैसे कि डोज एंड बर्न हम करते हैं ना, तो मान लो एक 3D सा लुक मिल जाता है हमारे फोटो में, एंड हमारे फोटो में भाई एक चमक भी मिल जाता है। तो डोज एंड बर्न करने के लिए गाइज आपको ब्रश वाले टूल के अंदर आना है, एंड यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को डोज एंड बर्न का यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ब्रश वाला, है ना, एंड सेकंड पे आपको एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये दोनों सेम ही काम करते हैं हद तक तो मेरे को तो भाई इतना ही पता है कि सेम काम करते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट एक्सपोजर में और डोज एंड बर्न में। तो हम फिलहाल हम डोज एंड बर्न करेंगे, तो फर्स्ट वाला ब्रश को हम चूज़ करके रखेंगे। और यहाँ पर भी गाइज आप लोगों को दो एरो दिख रहे हैं, एक नीचे में एक ऊपर में, तो समझ जाओ मैंने पहले जैसे बताया था वैसे ही ये भी है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों को एक इरेजर का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर गाइज वहाँ पर पहले आपको 0 पे इरेजर का ऑप्शन मिल रहा था, यहाँ पर भी आपको इरेजर डायरेक्ट मतलब यहाँ पे 0 नहीं लिखता, यहाँ पर डायरेक्ट इरेजर लिख देता है, तो आप लोग वहाँ से इरेज भी कर सकते हो। अब गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डोज एंड बर्न करना कैसे होता है। अब देखो भाई फेस में आपके दो एरिया है, एक तो ज़्यादा हाइलाइटेड पार्ट है और एक ज़्यादा जो है डी हाइलाइटेड पार्ट है, मतलब शेडो वाला एरिया। जो शेडो वाला एरिया है ना गाइज उसे हम बोलते हैं बर्न, एंड जो हमारा हाइलाइट वाला पार्ट है फेस में उसे बोलते हैं हम डोज इफेक्ट। ओके, तो हम गाइज हाइलाइटेड वाले पार्ट में कभी भी डोज इफेक्ट को अप्लाई करेंगे, एंड जो हमारा मतलब डी हाइलाइटेड पार्ट है शेडो वाला पार्ट है वहाँ पर हम अपने बर्न टूल को अप्लाई करेंगे, मतलब बर्न टूल नहीं बर्न ब्रश को, है ना। यहाँ से हम अगर माइनस में करते हैं अपने ब्रश को तो हमारा बर्न में कन्वर्ट हो जाता है ये ब्रश, एंड इस तरीके से अपने शेडो वाले एरिया में आप लोग अप्लाई कर लेना। एंड गाइस काफ़ी आराम आराम से अप्लाई करना भाई, बर्न इफेक्ट ज़्यादा अप्लाई मत करना, हो सके जितना डोज इफेक्ट को अप्लाई कर लेना भले, बर्न इफेक्ट को ज़्यादा अप्लाई मत करना, नहीं तो भाई आपका फेस बिल्कुल ही ब्लैक सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। देख सकते हो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक लग रहा है, फिर भी गाइस मैं थोड़ा बहुत तो यहाँ पे अप्लाई करूँगा जहाँ जहाँ पर हमारा एरिया डार्क है। एंड यार अभी तक आप लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार लाइक कर दिया करो यार, वीडियो बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है क्या बताऊँ। एक वीडियो का यार बनाने में पहले तो फोटो को एडिट करो, फिर आप लोगों के लिए मतलब यार सोचो, पहले तो सबसे पहले मेन जो बात आती है भाई कि कंटेंट सोचना पड़ता है कि भाई आप लोगों के लिए यार क्या टॉपिक लाए फोटो एडिटिंग से रिलेटेड जो आप लोगों को पसंद आएगा। तो यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, समझा करो फीलिंग को, एक लाइक कर दिया करो। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस इस तरीके से आप लोग बर्न एंड डोज को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस मैं अब कभी भी आप लोग ये ध्यान में रखना भाई, बर्न टूल को ज़्यादा यूज़ मत करना, डोज टूल को जितना हो सके उतना यूज़ कर लेना, बट बर्न टूल को कम से कम यूज़ करना। ओके, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, बहुत ही अच्छा हमारे फेस में एक लुक आ चुका है, एक 3D सा शेप मिल चुका है, 3D सा मतलब जैसे लग रहा है कि हमारा फेस जो है भाई फोटो से बाहर निकल के आ रहा है ना। अब गाइस हमारी बारी आती है फेस, तो हमारा स्किन जो हमारा अच्छे से स्मूथ हो चुका है, बट बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, मतलब पत्थर की तरह लग रहा है, क्या बताऊँ, पत्थर नहीं डॉल की तरह लग रहा है ना। तो उसके लिए गाइस करना क्या है, एक टेक्सचर का मैंने फ़िल्टर बनाया, उस फिल्टर का गाइस आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस फिल्टर को भी आप लोग डाउनलोड कर लेना, एंड इस तरीके से फ़िल्टर को ऐड कर लेना है आप लोगों को, एंड अपने फेस के ऊपर लगा लेना है फिल्टर को, एंड इसका ओपेसिटी हल्का सा आपको डाउन में करना है, एंड यहाँ पर आना है ब्लेंडिंग मोड में, एंड ब्लेंडिंग मोड को आपको कर देना है ओवरले पे। ओवरले पे करने के बाद सिंपल आप लोगों को जो है यहाँ पे चलना है एंडो में, व्यू एडिट्स में, एडिट में,
एंड यहाँ पर पहले जैसा हमारा इन्वर्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर भी फिर से गाइस हम अपने ब्रश को जो है 75 पे रख के इस तरीके से अपनी स्किन के ऊपर चलाएंगे तो हमारा स्किन के अंदर भाई टेक्सचर आ जाएगा एक। गाइस वैसे आप लोगों को वीडियो में तो नहीं पता चल रहा होगा, अगर आप लोग वीडियो को हाई क्वालिटी में करके देख रहे होगे तो भाई जरूर पता चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। एंड आप लोग भाई ये चीज़ करोगे तो भाई आप लोगों को जो है अपना मतलब एक अलग सा लुक मिल जाएगा हाई लेवल का भाई अपने फ़ोटो में, कि भाई हमारे फेस में टेक्सचर भी आ रहा है, लग नहीं रहा कि हमने स्किन को स्मूथ करा है, एकदम प्रोफेशनली हुआ है ऐसा लगेगा आप लोगों को ये फ़िल्टर को यूज़ करोगे तो। और गाइस इस फोटो का भी आप लोगों को जो है नॉर्मल फ़ोटो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस फ़िल्टर के साथ, हो सके तो गाइस आप लोग पहले मेरे इस फ़ोटो पर आप लोगों को टेस्ट करके देख लेना है कि भाई मैं कैसा वर्क कर पा रहा हूँ। और मेरी तरह गाइस अगर आप लोग कर लेते हो तो मुझे जो है आप लोग इंस्टाग्राम पे टैग करना जिससे आप लोगों का मैं फ़ोटो देख पाऊँ। ओके यही था गाइस आज के हमारे वीडियो में, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा एंड वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताना भाई वीडियो कैसा लगा आप लोगों के लिए, और भी गाइस फ्यूचर में ऐसी और भी एक्साइटिंग वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए इस चैनल पर तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।